भजनपुरा मार्केट में फायर की गाड़ियां यहाँ आ चुकी हैं और ये देखिए गली नंबर 4 बी ब्लॉक में यह हादसा हुआ है, जहां एक घर में आग की कॉल आई हुई है और यहां पे पुलिस प्रशासन हो या दमकल कर्मी हो सभी यहां पहुंच चुके हैं। आसपास इसके पीसीआर वैन हो, दमकल की गाड़ियां हो, सभी पहुंच चुकी हैं और आपके सामने ये दिख रहा है किस तरीके से यहां पे फायर की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं और ये देखिए यह बी ब्लॉक गली नंबर 4 भजनपुरा का ये मामला है, जहां पे एक घर में आग बताई जा रही है। हम है बी ब्लॉक गली नंबर 4 में और यहाँ पे एक मकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। हालांकि आग पे काबू पा लिया गया है और यहाँ आसपास के लोगों ने काफी हेल्प की है। जिनके घर में ये आग लगी है ये लोग थे नहीं, आप ये देखिए ये फैमिली के मेंबर हैं। इनसे जब हमने बात की और पुलिस कर्मियों ने बात की तो सभी सेफ हैं, घर में कोई था नहीं। जब ये लोग आए हैं तो यहाँ पे इन्होंने आके अड़ोस पड़ोस की हेल्प लेके, आप देखिए ये पाइप आपको दिख रहा होगा, ये आग बुझाने की कोशिश की गई है और काफ़ी हद तक अब इस चीज़ को कवर कर लिया गया है। पुलिसकर्मी और दमकल के यहाँ लोग आ चुके हैं और गली नंबर 4 बी ब्लॉक में यह हादसा हुआ है, सब कुछ सेफ है। यह बहुत अच्छी बात है कि यहाँ किसी के साथ कोई हादसा नहीं पेश आया है। हाँ ये जरूर है कि यहाँ इस घर में आग लगी है और अब उसको कंट्रोल कर लिया गया है और लोगों ने, जो कहते हैं ना पड़ोसियों का एक फर्ज होता है, यहाँ पड़ोसियों ने एक अच्छी पहल की है कि एक दूसरे की हेल्प करके इसको तुरंत काबू किया गया। जब तक पुलिस आती, जब तक दमकल कर्मी आते, तब तक इस चीज़ को कवर कर लिया गया था। और जिनके साथ ये हादसा पेश आया है इन लोगों ने बताया कि सभी सुरक्षित है, घर में कोई हताहत नहीं हुआ है, फैमिली का कोई हताहत नहीं हुआ है और सभी सेफ हैं। गली नंबर 4 बी ब्लॉक की घटना है ये, पर आपको अभी भी दिख रहा होगा यहाँ पे पुलिसकर्मी हो, दमकल के लोग हों या उस मकान के लोग हों, अभी भी मशक्कत कर रहे हैं और आग पे काबू पा लिया गया है। मीटर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और अंदर जो है उसमें कुछ कपड़ों में और कुछ चीज़ों में आग लगी जरूर है, मगर अब ये कंट्रोल की स्थिति में आ चुकी चीज़ें और यहाँ पे अब यह सारी चीज़ें कंट्रोल में आ चुकी हैं। बी ब्लॉक गली नंबर 4 भजनपुरा का ये एरिया है, दमकल के और पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और आप देखिए एकदम जब ये खबर मिली यहाँ पे कि ऐसा यहाँ पे हादसा हुआ है तो हम भी यहीं पे मौजूद थे, तो हमने देखा यहाँ पे ऐसी कोई बात है नहीं, सेफ है सब कुछ। हाँ थोड़ा नुकसान जरूर हुआ जिनके घर में आग लगी है, बाकी फैमिली किसी मेंबर को कोई चोट नहीं आई, हताहत नहीं हुआ है, कहीं तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, घर में जरूर थोड़ा नुकसान हुआ है और ये काफ़ी सेफ्टी की बात है और ये अच्छी बात है कि ये सब चीज़ें अब कंट्रोल में आ चुकी हैं। न्यूज़ वार TV भजनपुरा दिल्ली। आपका मकान है ये? ये आग कैसे लगी भैया? मुझे नहीं पता, मैं तो घर में घुसी नहीं, मैं तो आई हूँ अभी सामान लेकर लड़के की शादी है। ऐसा बताया जा रहा है मीटर में आग लगी है शायद। हाँ मीटर में। हाँ ये लड़की थी ना बस। हाँ हाँ देखा था यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर मैं उधर को गई अंधेरे के लिए, ताला आ रहा था तो देखा तो ऊपर कमरे में पूरे में आग लगी पड़ी है। घर में कोई किसी को चोट कोई नुकसान ऐसे तो नहीं है ना? सब सेफ है, चलो ये अच्छी बात है, ये सब सेफ है। और ये फैमिली मेंबर है जिनके घर में ये हादसा हुआ है, इन लोगों की आपने बात सुनी है, सब चीज़ ठीक है। हाँ थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है।